बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। जी हाँ, उर्वशी के लुक्स, आउटफिट्स के चर्चे तो बॉलीवुड के गलियारों में होते ही हैं। साथ ही उनके ट्वीट्स भी कम मजेदार नहीं होते, या कहें कि सोशल मीडिया यूजर्स उनके ट्वीट्स का मजा उड़ा लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली उर्वशी रौतेला कई बार बुरी तरह से ट्रोल हुई है। हाल ही में उर्वशी रौतेला ने एक क्रिकेटर और आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका बुरा ट्रोल करके बुरा हाल कर दिया है। जी हाँ, और ये ट्रोलिंग ऋषभ पंत के फैंस के हाथों से हो रही है। ऋषभ पंत ने कुछ समय पहले ही अपना 24वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर उर्वशी रौतेला ने ट्वीट कर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया। उन्होंने ऋषभ पंत को टैग करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे। इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने उर्वशी की खूब खिल्ली उड़ाई। कुछ ने कहा, हमको माफ कर दो, तो कुछ ने लिखा, तुम रहने दो। जी हाँ, कुछ साल पहले ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के अफेयर की खबरें खूब छाई हुई थी। बाद में दोनों अलग हो गए थे। रिपोर्टर्स की माने तो ऋषभ पंत ने उर्वशी को व्हाट्सएप पर ब्लॉक भी कर दिया था। ऋषभ और उर्वशी का अतीत याद कर ही यूजर्स उर्वशी और ऋषभ से दूर रहने को कह रहे हैं। वैसे इन दिनों उर्वशी रौतेला अपनी तमिल में डेब्यू की तैयारी कर रही हैं। वह सरवना के साथ 200 करोड़ के बड़े बजट की फिल्म द लेजेंड में नजर आएंगी। इतना ही नहीं, उर्वशी ने जियो स्टूडियोज और टी सीरीज के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। उर्वशी जल्द ही जियो स्टूडियो की वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में रणदीप हुड्डा के साथ मुख्य भूमिका निभाती दिखेंगी।